Organized by COTTONGURU with full support from IMC and CITI as our mission partner, FSII, the Federation of Seed Industries of India, as our farmer partner, and Edelweiss as our forex partner. During the course of the conclave, I will tell you how these partners have played a pivotal role in transformation that has been coming in the cotton and the textile industry, and why all of us together are here today, and what difference we can make to the situation that we have today. I would like to start with a Sanskrit shlok. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukh bhag bhavet. Om shanti, shanti, shanti hi. इस जगत में अगर सुख चाहिए तो सुख देना होगा. कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स है ये, जिनको कोई टाइम लैग नहीं है. हजारों साल पहले लिखे गए ये गीता के शब्द किसी भी काल में उतने ही वैलिड है कि अगर सुख चाहिए तो सुख देना होगा, शांति चाहिए तो शांति देनी होगी, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना होगा, ऐसे ही समृद्धि चाहिए तो समृद्धि देनी होगी. वी हैव टू शेयर प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी लाइंग विद इन अस इज नॉट सस्टेनेबल. अगर अपनी ही प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की लाइफ बढ़ानी है तो देना होगा. और इसी देने के हेतु से जो हमारे कुछ थॉट लीडर्स साथ में मिले, और इस उनके आशीर्वाद से, स्पेशली श्री सुरेश भाई कोटक, चंद्रशेखर जी, अतुल भाई, अरविंद जी सिन्हा, इन लोगों की प्रेरणा से हम इस ओकेशन को एक और सीरीज में आगे लेके जा रहे हैं, कॉटन कॉन्क्लेव, वेयर वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द स्टेक होल्डर्स. द स्टेक होल्डर्स नहीं, ऑल द स्टेक होल्डर्स, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बार हमारा ये माइंडसेट है कि स्पिनिंग से शुरू होती है. सर, स्पिनिंग से नहीं, जिनिंग से नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फार्मर से शुरू होती है. विदाउट द फार्मर वेयर इज द रॉ मटेरियल. 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉटन. अगर उसी को अगर हम पार्टनर नहीं बनाएंगे और उसको आउटकास्ट समझेंगे तो हमारा प्रोग्रेस किसी हालत में नहीं पॉसिबल है. तो ये समृद्धि जिनर तक, किसान तक ले जानी होगी, यही समृद्धि ब्रांड्स तक हमें टिकानी होगी, तो ही इस देश की प्रॉस्पेरिटी में हमारा योगदान होगा. गवर्नमेंट पे लोड कम होगा, गवर्नमेंट पे बर्डन कम हुआ तो उनके पैसे, जो हमारे टैक्स के पैसे, और अच्छी जगहों पे स्पेंड होंगे. व्हाट वी वांट इज देयर इज सो मच टू डू, सो व्हाट कैन वी टुगेदर कंट्रीब्यूट टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड टेकिंग इट अप टू द टारगेट दैट वी हैव इन माइंड. सो इस संस्कृत श्लोक से शुरू करने का हेतु ही ये था कि इस कड़ी को एक हार कैसे बनाएं, एक एक हीरे जो हैं उसको एक माला में पिरो के एक हार कैसे बनाएं. आप एज अ वैल्यूअर, आई कैन से एज द ओनली सर्टिफाइड कॉटन वैल्यूअर इन इंडिया. तो इसी उद्देश्य को लेके कि अगर फार्मर को इस सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनाते हैं, अगर जिनर की खुशी और समृद्धि को भी नज़र में रखते हैं, और स्पिनिंग और गारमेंटिंग, वीविंग इंडस्ट्री पे अगर गवर्नमेंट का फोकस है,
तो सही मायने में ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही सपोर्टिव इंडस्ट्री बन सकती है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट बोलते हैं लेकिन फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी काफ़ी हद तक टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट है. तो इट इज़ स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया. तो इस ताकत को, जो मैन पावर भारत की ताकत है, कपास भारत की ताकत है, इस ताकत को लेके हमें आगे बढ़ना है. हकीकत कुछ और है. और इतने साल में अभी मैं किसानों के साथ में काम करके ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में 70% किसान को अभी भी हमारी डायरेक्ट मदद की ज़रूरत है. इनडायरेक्ट तो हमने बहुत कुछ कर लिया, करते भी हैं, लेकिन डायरेक्ट हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाना है तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा. 1% इंटरेस्ट बैंक में कम कराने के लिए 6-6 लोगों की टीम लगाते हैं हम, कि 1% से साल में इतना फ़ायदा हो जाएगा. तो 60% जो अपना रॉ मटेरियल है उसमें हमें कितनी ताकत लगानी चाहिए अगर वो रिस्क में है. तो आज CI के डायरेक्टर्स प्रेसिडेंट हमारे साथ में हैं, बहुत सारे फार्मर्स साथ में, आपको उनके साथ में शेयर करके बताऊंगा कि क्रॉप की पोजीशन रियल में क्या है, कहाँ हम जा रहे हैं. CCI के CMD साथ में हैं, पाशा भाई भी हमारे बीच में हैं. तो किसान क्या अगर वाकई में इतना खुश और समृद्ध है तो फिर उनकी हालत ऐसी क्यों है. और अगर हम कपास के किसान के लिए कुछ कर लेते हैं तो सीन कैसे चेंज हो सकता है. हाउ कैन वी रेडिकेट एम्प्लॉयमेंट इश्यूज फ्रॉम इंडिया इफ वी ओनली सपोर्ट द फार्मर. ये इकोनॉमिक्स पे हमें स्टडी करना है. सुरेश भाई कोटक बहुत सालों से इस पे स्टडी करते आ रहे हैं, अरविंद जी सिन्हा बाहर जा जाके ये सब देखते आ रहे हैं कि स्केलिंग अप में क्या फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. अमृता जी देशमुख महाराष्ट्र का हाइएस्ट ईल्ड लेते हैं, वो किसान हमारे बीच में है यहाँ पे. पर ये एक 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 इंडिविजुअल रहे, क्या हम इसको पूरे अक्रॉस द सप्लाई चेन बांट सकते हैं. ऐसे एग्जाम्पल एक एक क्यों हैं, Why are we not many in that segment? तो इसी बात पे आपको सोच विचार करने के लिए मजबूर करना ये मेरा हेतु है, और यहाँ से ही कुछ रास्ता ढूंढना, बिकॉज देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी. और इसी डाइवर्सिटी में जो इंडिया की स्ट्रेंथ भी है और हमारी आज की उसको ताकत को नींव बनाकर, एक फाउंडेशन बनाकर, लेट अस लिव विद द फैक्ट दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 6 लाख विलेजेस. वाई नॉट, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 70% स्मॉल होल्डर फार्मर्स, वाई नॉट, क्या बुराई है इसमें. ये नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या होता, है तो है. हम 2008-09 US में इतना बड़ा रिसेशन हो गया, इंडिया उससे बच गया बिकॉज वी आर एन एग्रो इकोनॉमिक कंट्री जो SMEs और एग्रीकल्चर से भरी हुई है. अगर वो नहीं होता तो हम भी वो इंडस्ट्रियल सेटबैक और जो पेपर, जो घरों के सिर्फ पेपर बांटे गए थे, पैसे कहीं नहीं थे, उस जो सेटबैक को US जैसा सुपर पावर भी नहीं फेस कर पाया, बट इंडिया डाइजेस्टेड इट. आज इतने इकोनॉमिस्ट हमारे बीच में, अजीत जी हैं, सजल जी हैं, वो आपको कभी भी बता सकते हैं कि अगर वो इंडिया में एग्रो इकोनॉमी और SMEs नहीं होते तो इंडिया की हालत क्या हो सकती थी, अभी भी क्या हो सकती है. तो इसी थॉट को आगे लेकर कॉटन कॉन्क्लेव 2019 में आप सबका स्वागत है. यहाँ पे किसान हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, CCI है, CAI है, टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, और पूरी अक्रॉस सप्लाई चेन हमने लोगों को इनवाइट किया. आप सभी आइए, अपने विचार शेयर कीजिए. यहाँ पे कोई भाषणबाजी नहीं होगी, एक इंटरैक्टिव सेमिनार रखना ये हमारा उद्देश्य था और है और रहेगा. और आपके जितने जितने एक्सपर्ट व्यूज है, पर प्लीज़ डोंट हाईलाइट प्रॉब्लम्स, प्लीज़ हाईलाइट सॉल्यूशंस. आप सॉल्यूशन की बात करिए, आप खुद को कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, उस पर बात करिए, बिकॉज वी आर हियर फॉर सॉल्यूशंस. प्रॉब्लम बहुत हैं लेकिन सॉल्यूशन के बिना ये तंत्र, ये संसार नहीं चल रहा है, उसी से चल रहा है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होने के बावजूद इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पर आ सकता है, ये कितना आ सकता है ये समझना है. क्या हम उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह ले पा रहे हैं. इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल इतना बड़ा,
एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को दिख रही है तो क्या ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिख रही है? क्या इन्वेस्टर्स का माइंडसेट भी उसी तरह का है? ये कुछ इन्वेस्टर्स हमारे बीच में हैं, वो आपसे शेयर करेंगे कि इन्वेस्टर्स का माइंडसेट क्या है, वो क्या सोचते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। कुछ लिस्टेड कंपनीज हमारे बीच में हैं, वो शेयर करेंगे कि वो किस पथ पे चल रहे हैं कि लिस्ट होने के बाद उनको इतना अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो रहा है। तो ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। एक साइड फार्मर है और एक साइड इन्वेस्टर है, इस हॉल में वो सभी हैं। तो यू आर ऑल, ईच ऑफ यू अ थॉट लीडर, इसीलिए आप यहाँ हैं और इसीलिए आपका कंट्रीब्यूशन इन सॉल्यूशन गिविंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज हम एक वाइट पेपर यहाँ से निकालेंगे, लास्ट ईयर का वाइट पेपर आपको जो मैगजीन मिली है उसके अंदर प्रिंटेड है, आप उसको देख सकते हैं। उस वाइट पेपर में क्या क्या चीज़ें आप ही लोगों के अमृत मंथन से आई हुई हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय ऑल ऑफ थॉट लीडर्स लाइक यू, दैट हैज गिवन अस द इंस्पिरेशन टू डू दिस अगेन। और यहाँ से आपके ही साथ और सहयोग से अगर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं तो इसका कोई मायना है? हम सिर्फ गेट टुगेदर चाय कॉफ़ी खाने के लिए नहीं जमा हुए हैं। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट, वी हैव टू ग्रो एंड वी हैव टू मेक अदर्स ग्रो। ये इंटेंशन है इस कॉन्क्लेव का। गाँव में किसानों के साथ में रह के मैंने उनके साथ में गाना सीखा, मैंने उनके साथ में खाना सीखा। एक गाना जो महाराष्ट्र के गांव में मैं जो 3-4 रात जहां रुका था वहां वो रोज़ सुबह उठ के बजाते थे, उसी से वो सुन के उनके बच्चे उठ जाते थे। उनकी 2 लाइन आपके साथ शेयर करूंगा। प्रभाती सूर्य नभिरंगति दश दिशा भूपाड़ी मणती, प्रभाती कृषि वरांची हाक ऐकुनी, मोट धावती शेता मधुनी। कृषि वरांची हाक ऐकुनी, मोट धावती शेता मधुनी। पक्षी अपल्या मधुर स्वराने, पक्षी अपल्या मधुर स्वराने, झाडावर बोलती प्रभाती सूर्य नभिरंगती दश दिशा भूपाढ़ी मणती। एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाना चाहूँगा कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, अगर आप फार्मर के साथ रहना चाहते हैं, रह सकते हैं और उनके साथ में काम कर सकते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। एक छोटी सी फिल्म में आपको दिखाएंगे। आशीष हांडे वॉज द फार्मर यू सॉ देयर ऑन द स्क्रीन, इतना यंग डायनेमिक फार्मर जिसको फार्मिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं था, सिर्फ इंटेंशन था। उसके 2-3 साल तक उसने छोटे छोटे फार्म्स में फार्म किया पर देखा कि आसपास के लोग कुछ नया सीख नहीं रहे, कुछ नया कर नहीं रहे, तो उसने डिसाइड किया कि मुझे नया करना है। कॉटन गुरु और अमृत राव जी के वर्कशॉप में वो आए थे, वहाँ से वो इंस्पिरेशन उन्हें हुआ कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, आप हमें बताइए क्या करना चाहिए। एंड स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड उन्होंने वो किया और आज वो एक फार्मर ट्रेनर की जगह पे पहुँच गए विद इन 1 सीजन। आशीष जी हांडे, प्लीज वेलकम, आइए। या आपने क्या अलग किया आप बताएंगे? हिंदी में बोलेंगे? थैंक यू। मराठी में बोलेंगे चलेगा? ठीक है, आई विल ट्राई एंड ट्रांसलेट वट एवर प्लीज। आशीष जी हांडे पहले कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? माने मैं आशीष शालिकराव हांडे, बुट्टीपुरी, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, तहसील समुद्रपूर, गाँव शिवनफळ म्हणून। या गावी शेती घेतलेली होती माझी, 6 एकर शेती आहे तिथे। आणि मी जेव्हा शेती करण्यासाठी जेव्हा तिथे केली आणि जी पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे माझे वडीलही करत होते, मी माझे आजोबा पण करत होते आणि मी पण करत होतो, तर मला एकरी माझा 3 ॲव्हरेज येतो, 3-5 किंवा 6 वलतीच्या जर केला मी तर 6 पोचलेलो होतो। आणि जेव्हा असं लक्षात आलं का आपण जे खर्च करत होतो हा खर्च जो आहे आपला उत्पन्नापेक्षा जास्त चालला आहे, आपल्याला प्रॉफिट नाही होऊन राहिलं, तर काय करायला पाहिजे याचा शोध घेता घेता मी यूट्यूबवर अमृतरावजी देशमुख यांचा एक व्हिडिओ बघितला आणि त्याच्यात असं लक्षात आलं की त्यांनी 51 क्विंटल एकरी उत्पादन घेतलं होतं। तेव्हा माझ्या डोक्यामध्ये अशी कल्पना आली की हे 51 क्विंटल घेणं शक्य आहे की नाही आहे बा, इम्पॉसिबल, म्हणजे आपल्याला डाऊटफुली असं वाटतं की 51 क्विंटल एकरी आणि आपण आज 5 न 6 वर आहो,
म्हणजे हे आपले 10 पटीने कितीतरी समोर गेलेले आहे. शक्य आहे का नाही ही कल्पना डोक्यामध्ये चालत होती, मग कसं करायचं, काय करायचं, कुठून आपल्याला यांच्यासोबत संपर्क साधता येईल आणि आपलं उत्पादन वाढवता येईल आणि आपली आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारता येईल, ह्या माझ्या डोक्यामध्ये कल्पना चालू असताना मग मला अमृतरावजी देशमुख यांचा नंबर मिळाला आणि मी त्यांच्यासोबत संपर्क साधला. तेव्हा त्यांनी मला सांगितले की तुम्हाला मार्गदर्शन हवं तर कॉटन गुरु अमृत पॅटर्न मार्गदर्शन यांचा एक वर्कशॉप आहे, वर्धेला यांचा प्रोग्राम झालेला होता. तेव्हा मग मी तिथे त्या कार्यक्रमाला पोचलो आणि तिथे आपल्या मनात असणाऱ्या सर्व डाऊट आणि सर्व प्रकारे काय काय विधी यांनी वापरलेले आहे आणि कशाप्रकारे आपलं उत्पन्न वाढवलेलं आहे यांचे पूर्ण यांच्यासोबत प्रश्न करून आपले मनातले समाधान करून पूर्ण घेऊन मी त्याच वर्कशॉप म्हणजे माहिती गोळा केली आणि आपल्या स्वतःच्या शेतीवर आलो आणि त्याच पद्धतीने ठरवलं, त्याच दिवशी ठरवलं की आपल्याला यांच्या पद्धतीनुसार लावण करायची आणि योग्य यांच्याप्रमाणे उत्पन्न वाढवायचं. तर मग पुन्हा प्रत्यक्ष ऐकण्यात आणि प्रत्यक्ष कृती करण्यात हा खूप मोठा फरक असतो. तेव्हा माझ्या जेव्हा मी प्रत्येक स्टेपला जेव्हा करत होतो तर पारंपरिक पद्धतीने 2x2 लावण, यांच्या 5x7 लावणी, ह्या एवढं मोठं अंतर पाहून असं अवडव्य असं वाटत होतं. तेव्हा मी प्रॅक्टिकली करत होतो तेव्हा मला नकारात्मक म्हणजे माझ्या आजूबाजूचे परिसरातले लोक अक्षरशः माझी मूर्खात गणना करण्यात आली की जे हे अंतर आहे, डिस्टन्स आहे, कशाप्रकारे हे होईल का नाही होईल. म्हणजे आज आपल्या पिढीला काय नवीन गोष्टी जर सांगायच्या म्हटलं त्याला पहिला आधी नकारात्मक दृष्टिकोन सर्वात आधी असतो, कालांतराने त्याला तो परिसरामध्ये ते लागू होत होत एकाने केलं दुसऱ्याने केलं मग ते वाढत जात असते. तर असं करत करत मी ते लावलं आणि ते जे पद्धती आहे, सूर्यप्रकाश कशाप्रकारे असतो, झाडाला कशाप्रकारे आवश्यकता असतो, खताचे कशाप्रकारे नियोजन करायचे, झाडाला फळबांधे कशाप्रकारे वाढवायचे आणि आपलं जास्तीत जास्त उत्पादन कशाप्रकारे घ्यायचं, ह्या गोष्टी मला यांच्या थ्रू माहीत पडत गेल्या आणि मी ते प्रॅक्टिकल करत गेलो आणि मग कशाप्रकारे फवारणी करायची आणि कोणत्या खताचे नियोजन कोणत्या वेळेस झाडाला कशाप्रकारे लागतात, हे सर्व गोष्टी मला या यांच्या वर्कशॉपमधून आणि अमृतराव देशमुख यांना कॉल करू मी त्यांना विचारले आणि यांनीसुद्धा मला कॉटन गुरु यांनीसुद्धा काही मार्गदर्शन करून त्यामध्ये मी आपलं उत्पन्न वाढवलं गेलं. ते यावर्षी मला 3 एकरामध्ये 62 क्विंटल कापूस झाला. जवळपास काय परिस्थिती आहे? जवळपासची परिस्थिती 3 किंवा 4 क्विंटल त्याचं माझं अनुकरण करून यावर्षी माझ्या परिसरामध्ये 40 एकरची प्रत्येक 40 एकर माझ्या पद्धतीने लावण करण्यासाठी तयार झालेले यावर्षी. फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया हॅज जॉईन हँड विथ अस टू बी अ फार्मर पार्टनर. थँक्यू सो मच सर फॉर जॉईनिंग अस इन दिस नोबल टास्क. यू आर रिक्वेस्टेड टू अवॉर्ड दिस यंग डायनॅमिक फार्मर हू चूज टू गो अहेड इन लाईफ. Big hand to all of us. I'd like to award Shri Amritrawji Deshmukh, who's been the inspiration behind this, who was our award winner last year, a token of certificate. I request Shri Suresh Bhai Kotak to hand over. Amritrawji, aiye. आप कितने सारे किसानों के लिए प्रेरणा है. द हाइएस्ट यील्ड इन महाराष्ट्र 50 क्विंटल्स पर एकर, वेयर द एवरेज यील्ड ऑफ इरिगेटेड लैंड इन महाराष्ट्र इज 10 एकर टू 12 एकर्स. इट रिलेंटलेस वर्क. उन्होंने खेत में एक्सपेरिमेंट कर करके अपनी एक विशिष्ट पैटर्न बनाई है विच इज कॉल्ड द अमृत पैटर्न विच इज बीन एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर अकोला. किसी किसान ने एक अपनी पैटर्न बनाई हो द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. थैंक यू अमृत राव जी. Now I request 2 more farmers who are here with us, Prashant ji Deshmukh and Satish ji Reddy, please aage aaiye. Atul bhai, please come. Please award a certificate of appreciation. Ye bhi aise log hai jo usi pad par agrasar hai jahan pe Ashish ji Hande pahunch rahe hain aur ye kafi kisanon ko saath mein leke chalte hain. They are collecting people. Aap bhi saath mein ye hame grow karna hai. Yeah. This farmer is from Telangana. We have a representative from Telangana, Maharashtra, Gujarat. Prashant ji Deshmukh, aaiye. Aaiye. Prashant ji Deshmukh is also a very, very progressive farmer. Thank you, Atul bhai. And now I request Satish ji Reddy, Dr. Ali Rani, please come. इन फार्मर्स को आज हमने एनकरेज किया तो ये मिलियंस ऑफ फार्मर्स की लाइफ में चेंज ला सकते हैं. थैंक यू मैडम. मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट दैट इज ट्रबलिंग द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री सिंस ईयर 1999 से जितने भी कॉटन कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किए हैं, यील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है उसका.
लेकिन आज भी हम वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, यील्ड के बारे में हम क्या कर पा रहे हैं, क्या कर सके हैं, तो उसके पहले समझना होगा व्हाई टू इंक्रीज द यील्ड से पहले या हाउ टू इंक्रीज द यील्ड से पहले, पहले ये ज़रूरत कहाँ से आई है, आज हमें यील्ड बनाने की ज़रूरत, बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, आज हमारे लिए सर्वाइवल का इशू क्यों है या नहीं है पहले तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा अतुल भाई, प्रेसिडेंट CAI, सर आप बताइए कि आज यील्ड नहीं बढ़ाया अगर भारत में, तो भारत में कपास की स्थिति क्या हो सकती है? लास्ट 3 साल से इंडिया में कॉटन का यील्ड जो है वो कम होते जा रहा है। आज से 3 साल पहले इंडिया का एवरेज यील्ड जो था वो 5.30 पर एकड़ क्विंटल था, जो इस साल सिर्फ 4.6 रह चुका है, जो वर्ल्ड में हमारा जो यील्ड है वो सबसे लोएस्ट यील्ड है। और इसमें कई कारण हैं जो हमारी यील्ड कम हो रही है, उसकी 3-4 वजह ये भी है कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अलिनो का इफ़ेक्ट है, ये सारे जो प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से यील्ड कम हो रहा है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, अगर हमने ये यील्ड का जो प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली नहीं सुलटाया तो जो हमारी इंडस्ट्री है, जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है, जो इस पे कॉटन पे ही निर्भर है, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी इसके लिए काफ़ी कुछ सुझाव हैं। चंद्रशेखर जी, सर आपने एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया था मीडिया को कि इंडिया का क्रॉप बहुत ही लो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लो इस साल होने वाला है, तो वो स्टेटमेंट क्या था जरा रिपीट करेंगे और उससे क्या हो सकता है? मैं जब एकरेज को देखा और बरसात का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसको देखा और ईल्ड को देखा, पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंट्स काफ़ी आए थे, तो जो एस्टिमेट बात कर रहे थे लोग कि 350-360 घांट का उत्पादन होगा, मैं माना नहीं। अक्टूबर महीने में मैं कह रहा था कि 320 लाख घांट से ज़्यादा नहीं होगा, और उसका बाद जो बेमौसम बरसात, ओले और बाकी दूसरे जो फैक्टर्स आ गए थे, तो उससे मेरा अनुमान है कि हमारा उत्पादन 300 लाख या 310 लाख उसका आसपास ही रहेगा। तो ये काफ़ी टाइट सिचुएशन है मार्केट में, डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स आर टाइटनिंग, तो उसका असर हमें भाव में दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ से अच्छा है क्योंकि किसान को एक सही संकेत जा रहा है कि प्राइसेस आर हाई एंड फॉर अगला सीजन में जब अभी बुआई शुरू होगी मई जून में, तो मैं समझता हूँ हमारा जो एरिया है, एकरेज है, कम से कम 120 लाख हेक्टर में बुवाई होने का संभावना है। एल नीनो का एक खतरा है, पता नहीं एल नीनो वेदर इट विल बी माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर, अब तक तो ऐसा अनुमान है कि जरा माइल्ड रहेगा, बट ये जो कहते हैं टेम्पोरल एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन अपना सही रहेगा, बिलो नॉर्मल मॉनसून आएगा उसके बावजूद भी हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ 350 से 370 लाख घंट का उत्पादन का लक्ष्य हमें रखना चाहिए, मगर सही वितरण हुआ बरसात का तो ये जो लक्ष्य है ये पूरा हो सकता है, जो हमारे लिए, हमारा देश के लिए अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट डिमांड ज़रूर निकलेगा उसका मेरा इंतज़ार है, खास करके इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2019 बिग एक्सपोर्ट डिमांड, पर आई थिंक वी शुड बी इन अ हैप्पी सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्रोडक्शन एंड पॉसिबली राइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इनफ एंड एडिक्वेट अवेलेबिलिटी फॉर द डोमेस्टिक मिल्क कंजम्पशन। थैंक यू। हमारे बीच में पाशा भाई पटेल हैं जी, जी काफ़ी किसानों से जुड़े हुए हैं और कपास और सोयाबीन दोनों जो महाराष्ट्र के ऑल्टरनेट क्रॉप है उस पर बहुत अच्छा इनका स्टडी है। पाशा भाई, क्या आपको लगता है कि किसान को कपास उगाना ये ही एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि कुछ और भी हो सकता है? किसान कोई कपास लगाना ऐसा उसको कोई बाइंडिंग नहीं है, जिस क्रॉप में ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो लगाता है,
दो चीजें हैं कि लास्ट पांच सात साल दस साल से अगर हम देखेंगे तो 1,49,00,000 हेक्टर में महाराष्ट्र में खरीफ का सोइंग है और इसमें 82-84 लाख हेक्टर में सोयाबीन और कपास है। क्या मेरे पास एक किसान आया है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, कुटे पटेल रविंद्र पटेल इकड़े रविंद्र पटेल इकड़े, अब ये इनका गांव है सोयगाव तालुका औरंगाबाद जिला में, एक इतनी कापूस भी आना तुमसे संगल से, तो ये कैसा है कि 20 साल पहले ये गांव में देखा था वन वैरायटी वन विलेज, अब इनके पास कपास है, लोगों ने कपास पेरा है और एक वैरायटी का कपास है, इसकी पूरे नागपुर में सारी टेस्ट की है। मैं हम 3 महीने से ढूंढ रहे कि इन्होंने इतनी मेहनत करके कपास बनाया वन विलेज वन वैरायटी फार्म टू फैक्ट्री, बीच में नमक डालना नहीं है, रंगोली डालना नहीं है, हम पानी डालना नहीं है, आप 20% पूरे प्रोडक्शन के 20% कंटेमिनेशन फ्री सुरेश भाई कपास बाहर से लाना सोच रहे, तो यहाँ का किसान देने के लिए तैयार है तो इसको कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये किसान के पास 2,000 क्विंटल कपास मौजूद है, क्यों गणात्रा जी बराबर है ना, तो आप एक बात सोचिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, बात क्या करना चाहिए, क्या करें तो बढ़ती आएंगे, ये जब तक आप नहीं सोचोगे तो ये सब ढकोसला होगा ऐसा मुझे लगता है। मंजीत कॉटन है ना, हाँ हाँ, तो पप्पू भाई तो हमने एक काम किया, आपको एक छोटी एक बात बताना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला एग्रीकल्चर इधर ये भी है नीलावर सेट भी है अरनी से, अच्छे अच्छे किसान यहाँ पे जिनके चेहरे देख के मैं पता सकता हूँ, तुम कल मिले हैं, मैं इनको 40 साल से मिलता हूँ तो इनकी पूरी खूबी मैं जानता हूँ, इनमें क्या है और क्या कर सकते क्या नहीं। एक आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैम पहली बार अकोला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने एक मीटिंग ली VC साइंटिस्ट और पप्पू सेठ ऐसे सारे लोगों को, टॉप टू बॉटम 150 लोग एक कप चाय पे आए थे अकोला में और उन सारे लोगों ने एक बात की कि आप सारे जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री को क्या कॉटन चाहिए, ये पकड़ा मेरे, मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें का टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, ये मेरा रुमाल है इसका अलग रुई है, मेरा शर्ट है इसका अलग रुई है, मेरा बनियान है इसका रुई अलग है, जैकेट का रुई अलग है, तो तुमको जो जो बनाना है उसका कपास देते हो ना, मैं क्या लेते क्या बोलो। अभी आपको एक आश्चर्य की बात ये बताना चाहता हूँ हम कि मैंने अभी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में 19 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमने बनाए हैं, कपास में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नहीं थी, अब पहली बार कपास में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन रही है, 10 डिस्ट्रिक्ट में हमने ये प्रयोग शुरू किया है। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, क्या आपको अच्छी कपास बोलते बगैर रंगोली की बगैर नमक की बगैर पानी की आपको जैसी लगती वैसी कपास, आप अगर बोलोगे कपास चुनने में प्रॉब्लम है बाल जाता है वो कड़ा कूद जाता है, तो आप अगर कहोगे तो हम सोने के बर्तन में कपास चुन के देने के लिए तैयार है, आप अगर कहते हैं तो हम चांदी के बर्तन में कपास देने के लिए तैयार है, लेकिन पैसे क्या देते ये बोलो ना आप अगर ये जब तक ना अगर नहीं बोलोगे सिर्फ भाषण करोगे तो नहीं चलेगा, राशन की बात कुछ तो भी अगर करो। तो मैं आपको एक सब लोगों को यहाँ पे, मुझे नहीं पता इंडस्ट्री से कौन है क्या सोचते हैं क्या वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं आप सब लोगों को एक विनती करना चाहता हूँ कि मैं आज इसलिए आया हूँ कि आप सारे महानुभाव यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो देखो किसान की उगाने की बात सोचते हो क्या, वो तो बच्चे छोटे से बड़ा बच्चा करना भैंस का भी अपना भी क्रॉप का भी सब जानते हो, लेकिन माल क्या देते उसके ऊपर सारी चीज डिपेंड है। तो आज की मीटिंग में ये काम कर सकते क्या, आपको जो चाहिए वो क्वालिटी का कपास, जैसा चाहिए वैसा कपास, एक बाल भर भी अंदर मिलावट नहीं होती हुई आपकी इंडस्ट्री में लाके देने की भी जिम्मेदारी हमारी। और दूसरी आपको सबसे महत्वपूर्ण एक बात बताना मैं चाहता हूं, जो भारत सरकार ने एक बात कही है FPO को 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर फ्री किया है, 100 करोड़ का, मैंने डबलिंग इनकम के जो अशोक दलवाई जी है उनके साथ में 2-4 बार मीटिंग ऐसे किया है कि मैं किसान हूं यानी मैं नंगा हूं बोल के तो किसान हूं, तो मैं 100 करोड़ का टर्नओवर कैसे करूंगा, आपको कैसे लगा। अगर समझो मेरे इंडस्ट्री में कोई घनात्रा जी
या अब सुरेश जी अगर मेरे साथ आके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकार ने 100 करोड़ का ऊपर 100 करोड़ टर्नओवर करने से जो फायदे देने हैं मुझे देने के बजाय सुरेश जी को फायदे देंगे तो तुम मेरे एफपीओ में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हम सरकार से करवा लेंगे। ये मैं कास्ट एंड प्राइस कमीशन का चेयरमैन बोल के आपको बात कर रहा हूँ। आप इस दिशा में अगर ये मीटिंग को अगर लेके जाएंगे तो इसमें से कुछ तो निकलेगा, इस दिशा में निकलो ऐसी मेरी आपको प्रार्थना है। हमारे बीच में मंजीत कॉटन वाले श्री पप्पू भाई है, राजपाल सिंह जी, 2000 किसान को ये पता है कि इसका आउटटर्न क्या है? बहुत कम किसानों को ये मालूम होता है। चलो आप पप्पू भाई ने कहा कि 6500 देंगे, क्या भाव चालू है बाजार में? 6100 6350 चल रहे पप्पू भाई आप। नहीं नहीं सुनो, इन्होंने पूरे गांव ने मिलके एक वैरायटी लगाई है, जरा अच्छा पालन पोषण किया है तो ये अगले साल ये नेगोशिएशन भी हो रहा है 29 29 ये 28.5 है। अच्छा आओ नीला और से बगा 28.5 mm मिलीमीटर की लेंथ इसकी बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। हाँ। और इनकी रिक्वायरमेंट ये बता रहे हैं 29 मिलीमीटर की है, रेगुलरिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू, टैली बजाओ। एकदम इसकी बढ़िया में बढ़िया रेगुलरिटी है, फर्स्ट क्लास। और मैं ये रेगुलरिटी के साथ इतना दावा कर सकता हूँ कि रेगुलरिटी रेवे थोड़ा सा स्टेपल बढ़े तो हम प्रदेश इसका बड़ा प्रीमियम मिल सकता है। थोड़ा सा स्टेपल और रेगुलरिटी यही मेंटेन करो और स्ट्रेंथ भी यही मेंटेन, स्ट्रेंथ भी अच्छा है। 30 की लेंथ है हमने, नहीं 30 की लेंथ 20 है अभी। देखो इसमें क्या है, बात क्या है कि नहीं बात ये है इसमें, देखो ये गर्मी की सीजन आ गई, मॉइस्चर चला गया है उसीलिए आधा कम आता है। अच्छा उसका ये नेचुरल, क्योंकि कॉटन में मॉइस्चर चला गया तो उसका स्टेबल में फर्क पड़ता है। इस साल मैं आपको महाराष्ट्र के 50 गांव ऐसे दे सकता हूं, आप जो बोले वो कपास का सोइंग होगा, आप जैसे बोले वैसे हम चुन के देने के लिए तैयार है, आप जहां बोले वहां हम डिलीवरी देने के लिए तैयार है। कोई हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार है क्या? 50 गांव का पूरा माल उठाने का एग्रीमेंट आज मंजीत कॉटन। आप वो सीट कौन सा देना चाहते हैं? सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो, आप मेरी एफपीओ है, आप इंडस्ट्री है, ये किसान है, हम तीनों मिलके तुमको क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए सारी चर्चा अगर करेंगे तो ही स्ट्रक्चर इस देश में। हाँ, अगर ये 50 गांव वाले कंटामिनेशन लेस कॉटन देते हैं जिसमें कि अपना पिकिंग से लेके फैक्ट्री में लाने तक अगर विदाउट कंटामिनेशन की कॉटन देते हैं तो मैं 200 रुपये का उसका प्रीमियम दे सकता हूँ आज ही, नंबर वन। नंबर टू, अगर एक टाइप की क्वालिटी 31 mm अगर लगाते हैं तो उसका अलग से 200 रुपये कुंटल का प्रीमियम मिल सकता है। ऐसा करके 400 से 500 रुपए कुंटल का प्रीमियम मिल सकता है, पर उसमें दो कंडीशन होना चाहिए, कंटामिनेशन लेस कॉटन होना चाहिए जी, और सेकंड उसका तुम्हारा लेंथ 31 होना चाहिए। अगर वो 31 नहीं है और कंटामिनेशन है तो फिर आपको 200 रुपए तक का प्रीमियम देने की मैं गारंटी आज ही लेता हूँ। आप राइटिंग में चाहिए राइटिंग में ले लो, बहुत ही। और भले 50 गांव हो, बड़ा स्टेटमेंट है भी, उस समय लेने आज आज आपको इसकी वैल्यू समझनी चाहिए कि मंडी में रोज जिनर जाता है ना तो 50 रुपया, एक मिनट 50 रुपया क्विंटल के लिए वो कड़ी धूप में 3 घंटे नेगोशिएट करता है, 50 रुपया क्विंटल कम करने के लिए जिनर रोज एपीएमसी में जाके। आज पप्पू जी ने आज इतनी बड़ी बात बोल दी कि 200 रुपया प्रीमियम तो वो सिर्फ क्वालिटी का दे देंगे कि कंटामिनेशन मतलब कपास के फाइबर को छोड़ के कुछ भी नहीं आना चाहिए। मिट्टी और पानी कपास उगाने के लिए जरूरी है, उगने के बाद बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो अगर वो देता है किसान तो 200 रुपये का प्रीमियम पर क्विंटल, और अगर 31 मिलीमीटर की लेंथ जो इस इंडस्ट्री की आज बड़ी रिक्वायरमेंट है वो देता है तो 200 रुपये का प्रीमियम। और सामने पाशा भाई ने ये बोला है कि 50 गांव का सीड आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा सीड आपकी क्वालिटी का कॉटन देगा। मैं गणात्रा जी का विशेष अभिनंदन करता हूँ, इन्होंने 25 लाख रुपए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इस काम के लिए दिए हैं। अब एक हम आदमी बिठा रहे, हम आप आज सच में दिल्ली में एक मीटिंग चालू है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वरना हमारे महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी डौले
एक तो हमारे सबसे अच्छे एक्स हमारे सेक्रेटरी गोयल साहब, डॉक्टर गोयल जी हमारे साथ में जिनको पूरा महाराष्ट्र सलाम करता है, वो है गोयल। लेकिन पाटिल, देशमुख, जादव सबके सब सलाम करते हैं। इतना अच्छा काम इन्होंने एग्रीकल्चर में किया है, मुझे तो लगता है सच में उनका एक बार ताली बजा के हम सब सत्कार करेंगे, क्योंकि वो अब सेक्रेटरी नहीं है, वो रिटायर है, फिर भी मैं उनका सत्कार बोल रहा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं है उनके पास। तो इसी तरीके से आज सच में साहब, आज डोले साहब आने वाले थे मीटिंग में, मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट को प्राइवेट में क्या चल रही है, जब तक गवर्नमेंट को नहीं सीखने को मिलेगा तब तक ये चलेगा कैसा। इसलिए मेरी तो एक ऐसी, एक सेकंड में एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी तो ये सोच है सुरेश भाई, ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जिनिंग इंडस्ट्री और डीलर और किसान और किसान की एफपीओ, ये इसके स्विंग मंथ के एक दो महीने पहले एक स्लैब के नीचे जब तक हम बैठेंगे नहीं, तब तक इस देश का भला होने वाला है नहीं। इसीलिए हमने ये समय चुना है, हम हर साल मार्च अप्रैल में ये क्यों करते हैं कि किसान डिसाइड कर पाए सोइंग से पहले कि उसको कितना कपास डालना है और इंडस्ट्री का क्या व्यू है। इसीलिए लास्ट ईयर भी हमने इसी पीरियड में किया था। के पशा भाई, आप पशा भाई पटेल, पशा भाई नहीं है अपना आशा भाई है, आशा भाई मीन्स एस्पिरेशन। सब आपने जो किया है बहुत अच्छा काम किया, सबको एनकरेजमेंट किया है। आज जो ये नई शुरुआत हुई है वो बहुत बड़ा शुभ चिन्ह है, आपने सबको इकट्ठा किया। मैं मनीष जी को भी बधाई देता हूँ कि ही हैज प्रूव्ड, नॉट ओनली मनीष बट संस्कृत उन्होंने यूज़ किया था। मनीष को कहते हैं वेद में मनीषी, मनीषी मीन्स ऋषि। अच्छा। जो काम अपने किसान भाइयों के लिए होता है वो मनीषी काम है, उसी लिए मैं अभिनंदन देता हूँ ऐसे सबको बुला के, सबका संगठन, और आपको भी आशा भाई के तरफ बोलता हूँ, खाली पशा भाई नहीं बोलता हूँ। थैंक यू। क्या बात है पशा भाई, खाली एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि सरकार MSP बढ़ाने को किस तरह देख रही है, मतलब किसान को कपास में रखने के लिए ये अनिवार्य है और MSP बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मुझे ऐसा लगता है कि इस साल कपास में MSP जरूर बढ़ेगी 10% से ज्यादा। हमारे बीच में श्री PD पाटोड़िया हैं, एक्स चेयरमैन, एक्स प्रेसिडेंट कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अभी वो CTCD आ रहे नाम के एक रिसर्च विंग से जुड़े हुए हैं, अपने कुछ व्यूज। बजर सर शुरू हो जाएगा, आपके पास जी। जो बात पर अपने डिस्कस कर रहे थे प्राइसेस के हिसाब से, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो वर्धा में करीब 20,000 हेक्टर में काम कर रहे हैं और करीब 10,000 फार्मर के साथ भी काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंगन घाट में प्रशांत मोहताज की जो मिल है वहाँ हम लोगों ने मतलब वो हमारे रीजनल टेक्सटाइल मिल्स के इंचार्ज हैं, वो उस काम को देखते हैं और उन्होंने ये ओपन ऑफर दे रखा है इंडस्ट्री की तरफ से, उनकी बिकॉज उनकी जिनिंग फैक्ट्री भी है, उन्होंने ओपन ऑफर दे रखा है किसानों को कि आप यदि इम्प्रूव्ड कपास हमको सप्लाई करेंगे तो 100 रुपये से 200 या 300 रुपया एक्स्ट्रा आपको देगा, एकदम ओपन ऑफर है उनका। हिंगन घाट में उनकी फैक्ट्री आप तो जानते ही हैं, तो ये इंडस्ट्री की तरफ से भी ये पहल हो रही है और भी 2-3 इंडस्ट्री, जैसे हम जो भी काम करते हैं आपको पता ही है जो पैसा खर्चा भी हमारा होता है वो इंडस्ट्री ही देती है सर, इंडस्ट्री ही देती है, कोई हम गवर्नमेंट से लेते भी नहीं है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है हमारा जो भी काम करते हैं, इतना ही बताना चाहता था। और आगे ये ट्रेंड है, पासा भाई ने जो बताया ये एकदम ठीक है, हम सब मिल करके इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में मैं और बात अभी तो और जो कुछ मेरे को बताना है वो पीछे बताऊंगा, लेकिन इसके लिए कि हम लोग रेडी हैं, इंडस्ट्री रेडी है, अब एक इनिशिएट चालू हुआ है वहाँ पर, और अपने लोगों ने भी जैसे एक 1 seed in 1 village या 10 villages और व्हाटएवर इट इज, जितना इम्प्रूवमेंट होगा ये उतना उसके अंदर किसान को फायदा ही फायदा होने वाला है, हम भी उस कार्य के अंदर लगे हुए हैं पूरा। थैंक यू पटोड़िया जी। मैं बोलूँगा फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, आप प्लीज़ आगे आइए और यील्ड किस तरह बढ़ सके भारत में विद इंडिया कॉन्टेक्स्ट, आप अपने व्यूज दीजिए। द बेस्ट सीड कंपनीज इन इंडिया गेटिंग टुगेदर एंड दे विल शेयर अ प्रेजेंटेशन, प्लीज द माइक इज योर्स। गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार सभी किसान भाई जो यहाँ पे आए हैं और पॉलिसी मेकर्स, टेक्सटाइल कंपनी के सभी एसोसिएशन के मेंबर्स। सो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया,
ये एसोसिएशन जो है बेसिकली दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड रिसर्च कंपनीज. हमारे मेंबर कंपनीज जो है ये ऑलमोस्ट 50% जो है इंडस्ट्री का सीड इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है उसको अकाउंट करते हैं एंड 70% ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इन कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं सीड में. सो मैं अपने प्रेजेंटेशन में ये चीज़ बताना चाहता हूँ व्हाट वाज सीड इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स कॉस्ट. बिकॉज हम अभी तक सुन रहे हैं कि किसान के लिए यील्ड बढ़ाना किसान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए. तो क्विकली आई विल जस्ट टेक यू थ्रू व्हाट इज द सीड इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस एंड उसके बाद फ्यूचर रेडीनेस के लिए हमारे पास क्या टेक्नोलॉजीज हैं. एग्रीकल्चर 4.0 जो आप लोग सब सुन रहे होंगे डिजिटाइजेशन के बाद हाउ डू यू इंटीग्रेट डिजिटाइजेशन इनटू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड देन एग्रीकल्चर बाय डिज़ाइन. ये मैं लास्ट ईयर के आपके कॉन्क्लेव के पेपर में पढ़ रहा था द वाइट पेपर विच वॉज रिलीज्ड. सो मोस्ट ऑफ दैट विच वॉज डिस्कस्ड इन द वाइट पेपर आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टेल यू हाउ वी आर प्रिपेयर फॉर दैट. दैट इज द कॉल आई वॉन्ट टू गिव यू सर टूडे दैट फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वी हैव हियर on the COTTONGURU IMC platform of Cotton Conclave, the President of Cotton Association of India, the CMD of Cotton Corporation of India, the President of City, that is the Mill Association of India who has just joined us, stalwarts like Suresh Bhai Kotak, P.T. Patel. Can we get into an MOU? Can we get into a format in which we can do, we have the government with us, the chairman of Agriculture Price Commission, he just said that anything that you can do for the farmers is most welcome. Right, because what we want is tangible results. Baatein bahut ho gayi, ab results ka samay hai. Right, so next year on this very platform, we can show some concrete results, right? Thank you for sharing your views here. Why this subject was so vital, Federation of Seed Industries, आके बताना कि आगे का future जो हमें अच्छा future दिखाना चाहिए जिन्हें वो हमें बता रहे हैं कि अगर आपने कुछ change नहीं किया हम तो कोशिश कर रहे हैं पर अगर industry और farmers का साथ नहीं मिला और associations का support नहीं मिला तो seed industry भी एक level के आगे नहीं जा सकती. महाराष्ट्र PIPS चाइना इन कॉटन एरिया दिए 2015 में जब मैंने ये चार्ट पढ़ा उसी समय मैंने सोचा कि अब एक्शन नहीं तो कब करके. जस्ट सी महाराष्ट्र एरिया 41.92 लाख हेक्टर्स इन 2015-16. चाइना का एरिया देखिए 52 से कम होके 38. इंडिया का तब 117 था. अब नीचे देखिए यील्ड की तरफ देखिए महाराष्ट्र 355, चाइना 1265, 353, 1346, लास्ट में देखिए 337 एंड 1484. कंसिस्टेंट ग्रोथ है यहां, कंसिस्टेंट फॉल है यहां. कॉन्शियसली रिडक्शन ऑफ एरिया इज ओनली पॉसिबल इफ द यील्ड गोस अप एंड यील्ड गोस अप मार्जिनली द एरिया कैन गो डाउन मैग्निमली. बहुत ज्यादा क्वांटिटी का एरिया हम कम कर सकते हैं. ये चार्ट से आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी सर. नेक्स्ट. और जस्ट टू शेयर विथ यू अगर महाराष्ट्र चाइना का एरिया एक है और इंडिया और चाइना का क्रॉप एक है तो ओनली महाराष्ट्र इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग द होल क्रॉप ऑफ इंडिया. इट मींस दैट अगर महाराष्ट्र में चाइना का यील्ड आ गया तो ओनली द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ 40 लाख हेक्टर्स कैन ग्रो द होल क्रॉप दैट इंडिया इज ग्रोइंग राइट नाउ इन 123 लाख हेक्टर्स. देखिए ये 525 टू 524 जहां थे वहां है यील्ड में बट दिस ईयर द यील्ड इज लोअर. इट इज 501 नियर अबाउट. संजय जी हैज जॉइंड अस फ्रॉम सिटी एंड सिटी इज ऑल्सो अवर मिशन पार्टनर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. मोस्ट वेलकम संजय जी इज फ्लोन फ्रॉम कोयमतूर फॉर दिस कॉन्क्लेव. संजय जी आप आए हैं तो आपका एक्सपर्टीज में यूज करना चाहूंगा कि इंडस्ट्री इस बात से अवेयर है क्या जो आपने अभी देखा कि अभी सीड्स में कुछ नया इमीडिएटली उनको नहीं दिख रहा है पर क्रॉप में तो बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है. We are already tied up with Federation Seed of Seed. हमारा जो Diamond Jubilee Global Textile Conclave था, they were a partner there. Right. So I am already in touch with them, and I have already city has assured them for full support to anything. Basically,
फाइनली तो हमें ही वो जो गाछ के वो हम पर ही पढ़ना है. सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विच इज वर्किंग कॉन्ट्रा टू वेयर वी शुड बी. यू वेरी नाइसली शो चाइना यील्ड ग्रोइंग. वी आर वन कंट्री इन 10 years कॉटन इज एक्चुअली आई थिंक सो स्टैग्नेटेड और एक्चुअली गॉन बैक. बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड वी से इफ यू आर स्टैग्नेटिंग यू आर एक्चुअली रिग्रेसिंग. And that, unfortunately, even simple things like trash conditions, which were 3%, today we say 3.5%. Moisture, which was 8%, has become 9%. So we are looking at how to, you know, that means we are being told and indicated that the crop quality is actually deteriorated. So it's a very sorry situation. Quality going down, quantity going down. And as I told you over WhatsApp, कि बात करने से कुछ नहीं होगा. एवरी वन नोज द प्रॉब्लम्स. आप एक बार कॉन्क्लेव कीजिए, 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, एवरी वन नोज द प्रॉब्लम. सोल्यूशन पता भी है पार्टली. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड सोल्यूशंस. द डिफिकल्टी इज टू हैव अ कंसर्टेड एग्रीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन प्लान. राइट. आई वुड लाइक टू आस्क एवरी वन हियर, वी ऑल आर कंसर्न, हाउ मेनी पीपल हैव इंटरेक्टेड विद द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री? How many of us? Sir, aap sir mat boliye sir. Once, yeah, you would have. City went and met. I decided we should go and meet. We had 2 meetings. We had discussions. But unfortunately, you need concerted effort to follow it up. Yes. Because unless you change things and you get funds, City CDRA, which Patodia ji has been running brilliantly for many years, and which is a case study in itself. And textile minister has personally acknowledged, even on the dais, that this is a case model which should. But hamare paas paise kahan hain? We had a budget of 50, 60, 70 lakhs garnered from some industry people, some seed. How much impact can you make? You cannot create that machinery. The government knows, acknowledges, we have sent videos. Unless we go and sit there, we are not going to get action. And I would request everyone, apne apne area mein, contamination free ki hum baat kar rahe. अभी मेरे साथ ऋषि जी थे, वो बोले हमने बनाया कॉन्टेमिनेशन फ्री. मैंने बोला कितना खर्चा एक्स्ट्रा लगा? बोला सॉरी गोपाल जी, सॉरी गोपाल जी अग्रवाल, वी हैड अ नाइस डिस्कशन. बोला 500 रुपया कॉस्ट ज़्यादा है. तो मैंने बोला 500 रुपया भी देने वाले मिले नहीं. मैंने कहा ये तो मुश्किल है, अगर आपको मिलती है 500 रुपये ऊपर की कॉटन तो आप मुझे बता दीजिएगा. और तो मैं नहीं बता सकता, और 5-10 लोग और आपको ढूंढूंगा. राइट. अगर 500 रुपये में आप कॉन्टेमिनेशन फ्री देते, आई डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट. राइट. बट वी नीड टू डू समथिंग. I had requested CCI also, because they are a giant. They have the resources to invest into breakthrough things like contamination free. Because it may be a higher cost initially, but CCI can do it because it's not a cost benefit analysis for them. It's for development of the whole country's economic system. How much money the farmers are losing because of contamination? That figure itself is going to be a huge figure. Sir, we showed that last year ka white paper aapke book mein hai, aap wo padh sakte hain. Hum India ko kitne loss hote hain. Sanjay ji thode late aaye, he has missed the initial part of the show ke last year ke conclave se ab kahan aage badhe hain. 18-19 ka jo cotton season raha aapke liye, wo uske agle saal ke comparison mein kis tarah raha? Matlab aapke production mein kuch farak pada? Because hamare beech mein aaj CAI hai, CCI hai, city hai, crop figures sab के अपने अपने स्टडी के हिसाब से आ रहे हैं. लेकिन एक स्टेक होल्डर जो प्रोसेस करता है कॉटन और इंडिया में सबसे ज़्यादा करता है, तो उनकी ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे कि प्रोडक्शन के हिसाब से आपके क्या व्यू है? इस साल हमने पूरी फुल परचेस की ट्राई किया, उसके बाद 20% कम प्रोडक्शन हमारा फैक्ट्री को हुआ. कहीं पर 35% कम हुआ है, कहीं 40% तक कम प्रोडक्शन आया है, कहीं 10% आया, कहीं इक्वल भी हुआ है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से हम लोगों ने जो परचेस की है प्रोडक्शन, हमारी फैक्ट्री का 22% लेस है. 20 से 22% ओवरऑल. आपकी जितनी ये नहीं कि हमने परचेस बंद कर दिया कोई वजह से नहीं थी, तो वो कम होना एक अलग बात है, पर फुल फ्लेश बाइंग होने के बाद भी 20% एवरेज में हम लोगों के कम है. थैंक यू बब्बू भाई. तो ये बात थी कि क्रॉप पोजिशन डेफिनेटली थोड़ी डिस्टर्बिंग है, और कितनी डिस्टर्बिंग है ये एक अगर जिनर पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो वो बोलते हैं 20% जितना कम है. हमने कई फार्मर से इतने साल से बात कर ही रहे हैं, तो उनसे पर्सनली बात किया, वो बोलते हैं सर 20 से कम तो हो ही नहीं सकता. हमारे लोग बोलते हैं कि कपास किसान के घर में है, पर किसान की इतनी ना ताकत है, ना उनके पास ऐसे रिसोर्सेज है, ना उनके पास स्टोरेज की जगह है. तो ये सभी एसोसिएशन के लिए सोचने वाली जगह है. मैडम, योर व्यू, व्हाट डू यू फील इज़ द सिनेरियो फॉर द इंडियन कॉटन क्रॉप? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. शी इज़ द
CMD of Cotton Corporation of India, the apex cotton body of Government of India. Thank you. So I've been very closely listening to whatever has been said since morning. I'm glad that there's absolutely no difference of views. We are all on the same page as far as we know what we want and what we have to do. And then comes like everyone's role. We in Cotton Corporation of India also realize that there's a lot of work to be done at the farmer level. So we have taken a lot of initiative. Like number one, we have introduced a farmer app called Cot Ally. I don't know how many of the farmers sitting here are aware. An app which can be downloaded easily in any of your phones. In this app, the farmers, cotton farmers, can easily interact with the CCI, Cotton Corporation of India, which we don't. We want to be a bridge. In fact, we are also taking inputs from experts, both in from agricultural experts or even experts in other areas who can give good advice as to what can be done by the farmer to increase his yield, to give a cleaner cotton. So that is one very good facility in this app, Cot Ally app. It's a free app. But the more important thing is, we also have realized that this mechanization of picking cotton will do wonders in reducing expenditure for the farmer and also increasing his income, because he would be able to give whiter cotton with less trash. So we, Cotton Corporation of India, has launched a scheme which is a collaborative scheme. We have taken on board all the profit-making public sector undertakings of the country. So far, 25 public sector undertaking has confirmed that they will allot a portion of their CSR budget to this scheme, including ONGC, whose consent came yesterday. So such big PSUs who have very large CSR budgets have agreed to, have already recognized this collaborative scheme, and they are all coming on board this year. And by this scheme, we hope that we'll be able to ensure that within a couple of years or maybe 3 years, every farm, cotton farmer in this company, in this country, will only harvest with the mechanized vacuum picking machine. So this is the ultimate aim, and we hope to achieve it. In fact, I have decided to ask the government that why restrict it to PSUs only, public sector undertakings. We will also like to appeal to the richer companies of the private sector, because as CCI, all of you, has a reputation, has a credibility, you can trust that we will carry forward your CSR activity if you have funds. After all, the law in the country today makes it compulsory for every registered company to engage in CSR. So we can, you can even contribute to this fund, because we have estimated to do that, to reach at least like 30 lakh farmers, we would need about 4,000 crores in the next 3 years. So PSUs are coming abroad with quite large sums. So I'll even appeal, once I get the approvals, I'll appeal even to the private sector companies to help. Thank you. Thank madam, you. Madam, par Kattappa ne Bahubali ko kyun mara? What is the cotton crop of India as per you? So he's very focused. So cotton crop, as of today, you know, you have a statistics. Arrivals seem to be, you know, conforming to as a percentage of what has been estimated for the year. It's conforming to the trend which was there last year. Okay. So personally, I don't think there's any major fear that we will not, like last year by now, around 79% of the estimated crop had arrived. This year also, around 78% of the crop has arrived. So there's only 1% estimated, of the estimated crop. Of the estimated crop. So, figure, yeah. So if, when that is an indicator of the trend for us.
because after all, we all made the estimate together. So let's see if any change is to happen then. It has to happen in the next 1 or 2 months. So let's see. Thank you. Yes. Thank you.